नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटोस्की के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनकी स्टेट में एक और फिल्म सिटी को डेवलप करने की प्लानिंग कर रही है और इसके लिए नागपुर को चुना गया है। तो ये फिल्म सिटी हालांकि मुंबई फिल्म सिटी के कंपैरिजन में काफी छोटी होगी। मुंबई फिल्म सिटी तो 520 एकड़ के एरिया में फैली है, लेकिन ये जस्ट 100 एकड़ के एरिया में ही फैली होगी। हालांकि छोटी होने के बावजूद इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बनाया जाएगा, जहां पर कई सारे मूवी और सीरियल प्रोडक्शन यूनिट्स ओपन की जाएंगी। अभी क्योंकि ये एक टाइप की अनाउंसमेंट है, तो कोई ज्यादा डिटेल सामने नहीं रखेगी कि कैसे इसको बनाया जाएगा और कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन होगी या फिर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन आगे चलकर इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आएंगी, वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अगली दोस्त अपडेट हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर से है, जहां पर दोस्तों जर्मन सेमीकंडक्टर जायंट इन्फिनियन प्लान कर रहा है कि वो भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में एंट्री करेंगी और इसको लेकर उन्होंने हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में डिस्कशन स्टार्ट कर दी है। दोस्तों इन्फिनियन जर्मनी की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। इनफैक्ट ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ये टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट में आती है। बड़े स्केल पर इनके सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया में बिकते हैं और अगर इस तरह की कंपनी भारत में भी प्लांट सेटअप करती है तो ये दूसरी कंपनीज को भी इंकरेज करेगी कि वो भी भारत में आकर उनके प्लांट्स को सेटअप करें। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वेफर्स और सिलिकॉन कार्बाइड यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने की बात की जा रही है, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल और टेलीकॉम सेक्टर में होता है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इनका फोकस नहीं है, मेनली ये ऑटोमोटिव्स के लिए ही सेमीकंडक्टर बनाने का काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है, पर क्योंकि इनका प्लान है कि वो उनके कुछ बिजनेस को उन कंट्री में शिफ्ट कर देंगे जहां पर लेबर कॉस्ट कम है, तो क्योंकि भारत में भी लेबर कॉस्ट काफी कम है, तो होपफुली हमारी सरकार इनको भारत में लाने में सक्सेसफुल होगी। अभी दोस्तों फिर से अपडेट एक जर्मन फर्म DHL से है, जो भारत में अभी उनके बिजनेस को और एक्सपांड करने वाले हैं और इसको लेकर उन्होंने 250 मिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट प्लान अनवेल कर दिया है। दोस्तों DHL के बारे में आप सब जानते होंगे क्योंकि काफी फेमस है। अभी रिवेन्यू वाइज ग्लोबली भारत इनकी टॉप 15 की लिस्ट में आता है और जैसा इनका बिजनेस भारत में चल रहा है, अगले 5-6 सालों के अंदर अंदर भारत टॉप 10 में भी आ जाएगा, तो उसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए 250 मिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की जाएगी, जिसके अंतर्गत इनकी एयरक्राफ्ट फ्लीट को 35% तक इंक्रीज कर दिया जाएगा। 1000 के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐड करेंगे उनकी डिलीवरी सर्विस में। 2 मेजर हब्स और 30 नई फैसिलिटीज यहाँ पर सेटअप की जाएंगी। 100 मिलियन यूरोस इनके द्वारा डिजिटाइजेशन के ऊपर भी खर्च किए जाएंगे अगले 5 सालों के अंदर अंदर और इसके थ्रू ओवरऑल थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स ये भारत में जनरेट कर पाएंगे। अगली दोस्त अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों विश्वमित्री रिवाइवल और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को गुजरात के CM के द्वारा फाइनली अप्रूवल दे दी गई है और अब काफी लंबे समय के बाद ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ कर पाएगा। दोस्तों विश्वमित्री काफी छोटी रिवर है जो मेनली वडोदरा सिटी से फ्लो करती है, लेकिन छोटी होने के बावजूद ये कई बार वडोदरा में फ्लड्स का कारण बन चुकी है और रिसेंटली हमने देखा भी है इसी तरह वहां पर ये फ्लड्स आए हैं। इनफैक्ट मल्टीपल डैम्स इस पर पहले से ही बने हुए हैं, वो भी फ्लड्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इतनी मुसीबतों के बाद गुजरात सरकार ने डिसाइड किया कि इसको प्रॉपरली रिवाइव और रीडेवलप किया जाएगा। 2008 से ही वडोदरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इसको रीडेवलप करने की प्लानिंग कर रही है, पर लेकिन ये काम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। पिछले 2-3 सालों के अंदर अंदर इसके DPR को बनाकर काम को फास्ट पेस पर डाल दिया गया था और अब उस DPR को अप्रूवल भी मिल चुकी है। साबरमती रिवर फ्रंट की तरह ही इसको डेवलप किया जाएगा और 1200 करोड़ भी इसके आसपास इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी है उसको लेकर स्टडी कंडक्ट की जाएगी और उसी स्टडी के बेसिस पर इसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया जाएगा, ताकि सबसे पहले यहाँ पर जो फ्लड्स आते हैं इसके कारण उसको रोका जाए। और फिर साबरमती की तरह यहाँ पर एक रिवर फ्रंट भी बनाया जाएगा, किनारों पर कॉन्क्रीट एम्बैंकमेंट्स भी बनाई जाएंगी और होपफुली आगे चलकर अब इसमें कोई डिले नहीं होगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई से है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई में 9 और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए MMRDA ने टेंडर अवार्ड कर दिए हैं और यहाँ पर उनके द्वारा 12,500 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जानी है। दोस्तों मोस्टली यहाँ पर जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं वही अप्रूव किए गए हैं। अगर फिर आपको मैं डिटेल में बताऊँ तो बालकुम गैमुख थाने कोस्टल रोड 13.45 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी और 2,727 करोड़ रुपीज इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। कसर वडावली से खारबाव और भिवंडी तक एक क्रीक ब्रिज और एक रोड अप्रूव किया गया है, 3.93 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और 1,525.31 करोड़ रुपीज इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। ईस्टर्न फ्रीवे का एक्सटेंशन घाटकोपर से थाने के बीच में प्रूव हुआ है, 12.95 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी और 2,727 करोड़ रुपीज इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। नेशनल हाईवे 4 से कटाई नाका तक एक एलिवेटेड रोड अप्रूव हुआ है, 1,981.17 करोड़ रुपीज की लागत से ये भी बनेगा। गैमुख से पायगांव तक 6.5 किलोमीटर का क्रीक ब्रिज बनाया जाएगा 975.58 करोड़ रुपीज की लागत से। कुलशे से कलहेर तक 1.64 किलोमीटर का एक और क्रीक ब्रिज बनाया जाएगा 288.18 करोड़ रुपीज इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे, जबकि कल्याण मुरबा रोड से बदलापुर रोड ओवर ब्रिज तक 2.16 किलोमीटर का एक नया एलिवेटेड रोड भी बनाया जाना है, 451 करोड़ रुपीज इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। और लास्ट में 608 मीटर का एक लंबा फुट ओवर ब्रिज तीन हाथ नाका के ऊपर बनाया जाएगा, जो कि हिस्सा होगा मेट्रो लाइन 4 का और 70 करोड़ रुपीज के आसपास इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट फिर से हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर से है, जहां पर दोस्तों इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के फेज 2 को लेकर
ब्लूप्रिंट बनाने का काम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि इसको फेज वन के कंपैरिजन में और बड़ा बनाया जाएगा। दोस्तों फेज वन में आप जानते हैं कि $10 बिलियन के इंसेंटिव दिए जाने थे जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और इसका ज्यादातर चंक ATMP और OSAT फैसिलिटीज को ही मिला है, क्योंकि अभी देश में जो 5-6 प्लांट्स अप्रूव हुए हैं उनमें से सिर्फ फैब्रिकेशन प्लांट एक ही है, रिमेनिंग ये ATMP और OSAT फैसिलिटीज ही हैं। इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है कि वो फैब्रिकेशन प्लांट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और सेमी कंडक्टर एरिया में आप कह सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, जबकि ATMP फैसिलिटीज में काफी बेसिक काम किए जाते हैं। अभी होता यह है कि ATMP और OSAT फैसिलिटीज को पहले फेज के अंतर्गत 50% तक सब्सिडी मिलती है, लेकिन फेज टू में सब्सिडी 30% से कम कर दी जाएगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी पहले इंसेंटिवाइज किया जाता था, अब उसके ऊपर कम फोकस किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। और रही बात चिप फैब्रिकेशन की, तो इसको लेकर भी बताया तो नहीं गया है कि कितनी यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी, पर क्योंकि फेज टू में मेन फोकस यही होगा तो आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट 50% के आसपास तो सब्सिडी दी ही जाएगी। पहले फेज के कंपैरिजन में इसका टाइम पीरियड 3 साल और ज्यादा का होगा और इस बार $15 बिलियन का पैकेज रिलीज किया जाएगा। होपफुली इसके थ्रू हम और सेमी कंडक्टर प्लांट्स को भारत में ला पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे से है, जहां पर दोस्तों मेड इन इंडिया हाई स्पीड रेल को लेकर रेलवे के द्वारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गई है और अभी इन्हें डेवलप करने के लिए रेलवे ने बिड्स इन्वाइट कर दी है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो ऐसे कुछ महीने पहले ही रेलवे के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि वो भारत में खुद की मेड इन इंडिया हाई स्पीड रेल को डेवलप करेंगे, जो कि आगे चलकर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो कि हमारे देश में बनेंगे उनके ऊपर ऑपरेट हो सके। इसके लिए ICF को डायरेक्शंस भी दिए गए थे कि वो 2 ट्रेन सेट्स इसके लिए तैयार करें और अब ये काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निचली जो 2 ट्रेन सेट्स होंगे वो 8 कोच वाले होंगे, जिनको स्टील बॉडी से बनाया जाएगा और इनकी मैक्सिमम स्पीड 250 km/h जबकि रनिंग स्पीड 220 km/h के आसपास होगी। इनफैक्ट ये स्टैंडर्ड गेज वाले ट्रेन सेट्स होंगे जो कि हमारी एग्जिस्टिंग ट्रेन से अलग हैं, क्योंकि हमारी सभी की सभी एग्जिस्टिंग ट्रेन ब्रॉड गेज के लिए बनाई गई हैं। टेस्टिंग एंड ट्रायल के लिए ऑल टुगेदर एक नया टेस्टिंग ट्रैक इसके लिए बनाया जा रहा है राजस्थान में, जहां पर इसके आगे चलकर टेस्टिंग और ट्रायल लिए जाएंगे। इनफैक्ट वंदे भारत की भी टेस्टिंग वहां पर ली जाएगी, क्योंकि रेलवे का प्लान है कि आगे चलकर वंदे भारत के स्टैंडर्ड गेज वर्जन को भी भारत से दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाए। और अगर हम दोस्तों इस ट्रेन को डेवलप कर लेते हैं तो कह सकते हैं कि आगे चलकर हमारे देश में जो नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे वहां पर हम जो ट्रेन जापान से इंपोर्ट करके ऑपरेट करेंगे उनकी डिमांड और कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी हम अपने देश की ट्रेन को ही वहां पर ऑपरेट कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को पुश करने के लिए यूपी सरकार एक और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को स्टेट में डेवलप करने जा रही है और इस बार ये अनाउंस कर दिया गया है कि कानपुर लखनऊ के बीच में इसको बनाया जाएगा। दोस्तों कानपुर और लखनऊ वैसे भी यूपी की दो बड़े इंडस्ट्रियल रीजन माने जाते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का काम पहले हो जाना चाहिए था। अभी उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो इसको डेवलप करें, जिन्होंने लखनऊ मास्टर प्लान 2041 के अंतर्गत इसे इंक्लूड कर लिया है और इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। 300 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फैला हुआ इस 80 किलोमीटर के हाईवे के अगल बगल लखनऊ के 45 विलेजेस जबकि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के 40 विलेज को यहाँ पर ऐड किया जाएगा इसके मास्टर प्लान में। मल्टी मोडल ट्रांजिट और लॉजिस्टिक हब्स यहाँ पर बड़े स्केल पर डेवलप की जाएंगे, बाकी देखना है कि यूपी सरकार इसको कैसे डेवलप करती है। अगली दोस्तों अपडेट वंदे भारत ट्रेन को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों झारखंड स्टेट के लिए हमारे रेलवे के द्वारा 3 और वंदे भारत ट्रेन को एलोकेट कर दिया गया है और तीनों को 15 सितंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फ्लैग ऑफ कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर इनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो एक ट्रेन झारखंड के टाटानगर से उड़ीसा के बिरहामपुर के बीच में ऑपरेट होगी, 8 कोच वाली ये वंदे भारत ट्रेन होगी जिसमें 11 स्टॉपेजेस को इंक्लूड किया जाएगा। 587 किलोमीटर की ये जर्नी 9 घंटे 10 मिनट में ही कंप्लीट हो पाएगी और पूरे रूट पर ऑपरेट होने वाली ये फास्टेस्ट ट्रेन होगी। नयागढ़, केंदुझार, हरिचंदनपुर, कटक, भुवनेश्वर इस तरह के स्टेशन यहाँ पर कनेक्ट होंगे। इनफैक्ट दोस्तों इसका पहला ट्रायल अभी कंप्लीट कर लिया गया है। दूसरी ट्रेन यूपी के वाराणसी से झारखंड के देवघर के बीच में ऑपरेट होगी, 475 किलोमीटर की जर्नी 7 घंटे 10 मिनट में कंप्लीट हो पाएगी और इसके ट्रायल भी अगले 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। आखिरी ट्रेन टाटानगर से पटना के बीच में ऑपरेट होगी और ये भी अगेन एक 8 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन होगी जो मुरी, बोकारो, राजबेड़ा, गया इन सब स्टेशन के थ्रू ट्रैवल करेगी। 6 घंटे 50 मिनट में ये भी जर्नी कंप्लीट हो पाएगी और इसका ट्रायल भी कल स्टार्ट कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर तीनों की तीनों ट्रेन झारखंड को 3 अलग अलग स्टेट से कनेक्ट करेंगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट मेरठ मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों NCRTC ने मेरठ मेट्रो के रेक्स को अनवेल कर दिया है और अभी क्योंकि इसको स्टार्ट करने की प्लानिंग की जा रही है तो 1-2 दिन के अंदर अंदर इनकी टेस्टिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि दिल्ली मेरठ RDS के अंतर्गत जो पार्ट मेरठ में बनाया जा रहा है उसी लाइन के ऊपर ही मेरठ मेट्रो को भी ऑपरेट किया जाएगा और इसी के चलते मेरठ मेट्रो का जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली हमारी जो एग्जिस्टिंग मेट्रो ट्रेन हैं उनके कंपेरिजन में बिल्कुल ही अलग है। RDS ट्रेन सेट्स की तरह ही इसके भी एरोडायनामिक फीचर्स हैं, तो मोस्टली कह सकते हैं कि ये देश की फास्टेस्ट मेट्रो ट्रेन होगी। 135 किलोमीटर के आसपास की डिजाइन स्पीड है जबकि ये ऑपरेट 120 किलोमीटर के आसपास की स्पीड से होगी।
तीन कोच वाली ये ट्रेन एक सिंगल टाइम में 713 पैसेंजर्स को अकोमोडेट कर सकती है। और होपफुली आप कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर प्रिपरेशन चल रही हैं, अगले साल के अंदर अंदर आपको ये कमर्शियली ऑपरेट होती दिखाई देगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।